हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है day 4 और आज का जो कलर है वो है ऑरेंज, इसीलिए मैंने ये मेरा फेवरेट ऑरेंज चनिया चोली पहना है। तो ये देख लो, जो फर्स्ट डे पे मैंने आप सबको दिखाया था कि यहाँ पे सब बुलडोजर और वो सब खड़ा था, यहाँ सब कीचड़ कीचड़ था, उसका एकदम नक्शा ही बदल चुका है। तो ये सब कुछ चेंज हो गया। तो ये गेट से पास चेक करा के फिर हमको अंदर एंट्री मिलती है। तो आज day 4 भी खत्म हो गया और आज बहुत बुरा हुआ, हेलो। तो ये सब मेरे ग्रुप वाले हैं जो मेरे भाई के फ्रेंड हैं और अब धीरे धीरे हम भी सब फ्रेंड बन गए हैं। तो आज day 3 भी हमारा नहीं, day 4 ना, day 4 खत्म हो चुका है। आज हमने मिसमैच किया है क्योंकि आज कौन सा कलर था, ऑरेंज, जो आपने पहना है। आज ऑरेंज कलर का थीम था बट इसके पास ऑरेंज नहीं है तो इसीलिए उसने ऑरेंज लाल रंग से ही बनता है, लाल और येलो मिक्स करो, मैंने लाल और येलो मिक्स कर दिया तो आज मेरा सबसे फेवरेट कलर रेड उसने पहना है और बहुत मस्त लग रहा है। तो उसने रेड पहना, मैंने ऑरेंज पहना और ये वाले जो चनिया चोली है मैं यूजुअली जब ट्राई कलर डे होता है तब मैं पहनती हूँ, और आज उन्होंने पहले से नहीं बोला था कि ट्राई कलर डे होगा इसलिए मैंने आज पहन लिया। अभी आज अनाउंसमेंट हुआ कि एक दो दिन के बाद ट्राई कलर होगा तो अब मेरे पास ट्राई कलर वाले कपड़े नहीं है बट चलेगा,
और आज भी बहुत मजा आया। लाइक आज मेरी हालत बहुत खराब थी तो आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मुझे लगा था कि मैं आज नहीं खेल पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं खेल पाऊंगी, मुझे आना भी नहीं था। बट वैसा ही होता है हर बार कि एक बार ग्राउंड में आप पैर रख दो फिर जो खेलने का मजा था फिर सब कुछ भूल जाते हो, आपको बुखार हो, सर्दी हो, कुछ भी हो। आज मेरा हेडेक बहुत था और मेरे पैर में बहुत सारा जो स्किन है वो निकल गया है, तो वो घर पे तो चला ही नहीं जा रहा था, बट बैंडेज वैंडेज लगा के मैं यहाँ पे आ गई और यहाँ आके फिर फुल ऑन हमने खेला। आज तो इसने भी बहुत खेला और लास्ट में भी सेकेंड हाफ भी हमने बहुत खेला, तो बहुत मजा आया। बार बार मैं कह रही हूँ कि मैं वीडियो बहुत नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मुझे खेलने में बहुत मज़ा आता है। और आज जो मेरी फ्रेंड वैदेही जो है, जो छुप रही है, जो ओमान शादी करके चली गई है, वो नवरात्रि के लिए स्पेशली ओमान से आई है खेलने के लिए। तो अभी दुबई जाना है इस तरफ। हाँ, तो अभी हम लोग बहुत भूख लगी है और अभी रात के आई थिंक 1 बजे है। पहले तो 12 बजे एग्जैक्टली बंद कर देते थे बट अभी ज़्यादा गरबा खिलाते हैं। तो यस, अभी हम लोग कैंटीन की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी पेट पूजा करते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है। और मैंने आज का लुक मैंने आपको नहीं दिखा, मैं अभी दिखा देती हूँ और फिर हम आज का दिन एंड करेंगे और कल फिर। तो आज हम लोग 4 दिनों में पहली बार कैंटीन में कुछ खाएंगे क्योंकि इतने दिनों में तो हमने कुछ नहीं खाया यहाँ से, तो आज हम लोग कैंटीन में देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। तो संतुष्टि है, वॉफल है, सब कुछ है, जो चाहो वो मिलेगा। तो डिसाइड करते हैं कि क्या खाना है, ये मैडम जी क्या डिसाइड करती है, लेट्स सी। पहले तो बर्फ गोला वाला बहुत था, आई थिंक इस बार है या नहीं। ओ, पेप्सी वाला, यस, जो हम बचपन में खाते थे वो पॉप्सिकल। देखते हैं फिर गला खराब होगा कल हमारा, अभी आई थिंक लास्ट डे पे खाएंगे। तो जब हम लोग छोटे थे तब ऐसा था कि जब भी नवरात्रि हो तभी ही हम वो पापड़ी का लोट जो खिचू बोलते हैं, तभी मन के नहीं खाओ। अच्छा, अलग 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 है। हाँ, पहलू आओ बिल्कुल राउंड राउंड ना डायरेक्ट। तो खिचू डायरेक्ट वाला वो मिल रहा है, उसको राउंड राउंड जो गोलियां वाली आती है वो खाना था, बट वो नहीं है। बट तब हम लोग मतलब नवरात्रि होती थी तभी खाते थे, अब तो घर पे मम्मी बना देती है। बट यस, तो हम ढोकला ले रहे हैं और खिचू। तो पहला स्टॉप हमारा हो गया है ढोकला, जो गुजरात का फेमस डिश है, जो सभी भी बॉलीवुड में ऐसा स्टीरियोटाइप बन चुका है कि जब भी गुजरात का नाम लो तो ढोकला ही बोलते हैं सब कुछ। खमण, ढोकला, इदड़ा, सबको ढोकला बोल देते हैं, पर ये ढोकला है, ये इसको बोलते हैं ढोकला। और जो वाइट वाला जो आता है उसको बोलते हैं इदड़ा और इसे बोलते हैं ढोकला। और जो स्पॉन्जी आता है उसको बोलते हैं खमण। तो तीनों चीजें अलग होती है, बट ऐसा मार्क बन चुका है कि गुजरात का खाना मतलब ढोकला पातरा मतलब ढोकला ही सबको ढोकला ही बोलते हैं, बट इसको बोलते हैं ढोकला। तो ये है मेरा आज का पूरा लुक। आज भी मैंने बालों में कुछ भी नहीं किया है, मैंने ऐसे रैंडमली ही बन बना दिया है क्योंकि मुझे इस बार ये सबसे इजी लग रहा है। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चनिया चोली है, कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है। और ये रोज़ की तरह हम फिर से थोड़ा थोड़ा टीवी में दिखे हैं, जो हम लोग रोज़ सुबह देखते हैं। हेलो, तो आज है day 5 और हम ऑलरेडी अंदर पहुंच चुके हैं, मैं इंट्रो लेना भूल गई थी। तो यस, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं 5वां नॉर्थ का। तो हर रोज़ उसके चाहने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है और रोज़ कोई ना कोई आके, और रास्ते में भी हम लोग जब भी आते हैं तो बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। फोटोशूट चल रहा है और हमारे मित्र है ये तन्वी पटेल, प्लीज़ हेतल पटेल हमारे मित्र है। Oh, my God.
आज डे 5 भी खत्म हो गया और आज हम दोनों ने किया है गोल्डन गोल्डन गोल्डन। ये तो पूरा राजा 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 ही लग रहा है, जो रोज लगता है बट आज ज्यादा ही लग रहा है क्योंकि पूरा गोल्डन किया है। मैं आपको फिर बाहर लाइट होगी वहां पे जाके दिखाती हूँ क्योंकि अभी पीछे ग्राउंड की पूरी लाइटें बंद हो चुकी है और यहाँ पे आवाज भी बहुत होगी। पूरे मेरे ये नवरात्रि के ब्लॉग में आपको बहुत ज्यादा आवाज आएगी बट इतना ज्यादा क्राउड है तो वो थोड़ा आप मैनेज कर लेना। और रोज हम लोग जब भी घर से निकलते हैं तो ऐसा ही लगता है कि आज नहीं जाना, बहुत थक गए। बट जैसे ही गरबा ग्राउंड में पैर रखो और तुरंत सब कुछ गायब, फुल ऑन एनर्जी आ जाती है। और जो भी वडोदरा में रहता होगा और जो हमेशा से यूनाइटेड वे में आ रहा होगा तो उसे पता होगा कि अतुल पुरोहित जी की जो आवाज है उसमें एक जादू है और रिदम पूरे जो ग्रुप की है, ऋषभ ग्रुप की रिदम वो अमेजिंग है। हाँ, जो ऐसा जो ऋतु पार्टनर के ग्रुप का नाम पहले मतलब जो म्यूजिक है जो यहाँ पे क्या है कि ऑथेंटिक बजता है, जो तबला और जो भी मतलब वो ड्रम और वो सब है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बजता, तो उसी वजह से जो म्यूजिक की ऐसी जो ऐसे घनघनाहट हो जाता है ना तो उसे सुनते ही गरबा करने का मन हो जाता है जो और कहीं पे भी नहीं होता। मैंने बहुत सारे गरबा ग्राउंड के गरबे सुने, सेम ही होते हैं बट जो आवाज़ और म्यूजिक जो यहाँ की है वो और कहीं नहीं है। अगर आपको कभी भी मौका मिले बट अगर आपने ऑथेंटिक नहीं सुना होगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा क्योंकि बाकी सब जगह पे वो मुंबई स्टाइल के होते हैं जिसमें ड्रम और यू नो थोड़ा परफॉर्मेंसेस और वो सब होते हैं। अगर आपने वैसे सुने होंगे बॉलीवुड वाले तो आपको पसंद नहीं आएंगे बट अगर आपने ऐसे सुने हो जिसको पसंद हो ऑथेंटिक गरबे तो वो एक बार तो यहाँ अतुल पुरोहित के गरबे सुनने ज़रूर आना। अगर आप लोग यूट्यूब पे देखोगे तो आपको शायद इतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि सभी लोग ऐसे सादे सादे कपड़े में दिखेंगे बट अगर आप लोग ग्राउंड में आओगे तो ग्राउंड में अलग ही कुछ वाइब है, सभी लोग मतलब मज़ा आ जाएगा, ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे थोड़ा कॉपीराइट का इश्यू आएगा इसलिए मैं थोड़ा वॉइस ओवर कर दूंगी बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज मैंने क्या पहना है। तो ये वाला जो मेरा आउटफिट है वो लास्ट मिनट मैंने डिसीजन लिया है क्योंकि मेरा भाई आज पहनने वाला था गोल्डन और हम लोग इस बार 2-3 दिन से मैचिंग ही कर रहे हैं हम दोनों, तो इसीलिए वो गोल्डन पहनने वाला था। तो फिर ये दुपट्टा जो है मैंने इस बार नया लिया है, तो फिर मेरे पास जो शादी वाला जो शादी में पहनते हैं वैसे वाला जो चनिया था उसके ऊपर ही मैंने ये कंबाइन कर लिया। तो लास्ट मिनट फटाफट दूसरा वाला पहनने वाले थे बट चेंज कर दिया। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।